जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद। आज की वीडियो हमारे जो हमारा साइकोलॉजी का कोर्स चल रहा था बीच में स्टॉप हो गया, उनके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। तो थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि बहुत लंबा कंटेंट था तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। बाकी सारी बातें मैं इंशाल्लाह ग्रुप में जो हमारा बना हुआ है उसमें शेयर कर दूंगा। जैसे कि हमने साइकोलॉजी के कोर्स में शुरू में पढ़ी, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि फिर से हम उसको जो है वो रीकैप के साथ स्टार्ट कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने देखा कि एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था डेवियंट। साइकोलॉजी में डेवियंट का अल्फाज इस्तेमाल होता है, यानी कि अलग हो जाना। जब भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको होगा तो सबसे पहला सिम्टम आएगा कि जो शख्स है वो अलग हो जाएगा। अलग का मतलब ये कि अगर वो जैसे दोस्तों के साथ जो है वो पहले जाया करता था, खाया पिया करता था, तो अब वो अलग हो जाएगा इस तरह से कि पहले वो माशरे से कटना शुरू हो जाएगा। तो ये पहली पहचान है कि आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। एक मैं अपनी जो है वो पेशेंट को जानता हूँ, जब वो मेरे पास उसकी वालदा आई तो उसने मुझे हिस्ट्री बताई कि मेरी बेटी जो है उसने पहले शुरू में ये किया कि पहले उसने जो है वो अपना खाना अलग किया। जैसे पहले वो हमारे साथ खाना नहीं खाती थी, अलग उसने खाना शुरू किया। तो हमने बोला शायद ये बच्ची है, अलग जो है वो खा रही है। फिर उसने अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी जाना छोड़ा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रूम में इतना ज़्यादा आइसोलेट हो गई कि अब वो रूम से बाहर ही नहीं आती। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो डेवियंट हो रहा है। WHO के मुताबिक हेल्थ इज़ ए कम्प्लीट वेलबींग ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि अगर आपके दोस्त नहीं है तो WHO के मुताबिक आप अनहेल्दी हैं। दोस्तों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही दोस्तों का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको क्या बात बता रहे हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। सिगमंड फ्रॉयड के मुताबिक स्टार्टिंग के आपके 4-6 साल जो हैं बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके ओरल स्टेज है, उसके बाद एनल स्टेज है। एरिक्सन की जो है वो बच्चों की थ्योरी के मुताबिक भी पहला जो आपके पैदाइश से 1.5 साल तक का अरसा है वो कहलाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कैसे बच्चा ट्रस्ट बनाना सीखता है कि कौन उसका अपना है कौन उसका अपना नहीं है। तो ये शुरू के ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग स्टाइल में भी आती हैं कि बच्चे के साथ हार्श बिहेवियर हो रहा है, बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो बचपन में डेवलप हो जाती हैं। जो कि हमने अनकॉन्शियस के टॉपिक में सारी चीज़ें जो है वो कवर की थी कि अनकॉन्शियस क्या है, आपका लाशऊर है। आपने देखा होगा कि दरिया के अंदर कहा जाता है कि जो दरिया की चाल है, जो मतलब वो उसका बहाव है, वो उसका बहाव जो है वो अंदर जो पत्थर बिछे हुए उसकी वजह से होता है। और इसी तरह हमारा जो जहन का लाशऊर है, वो जो बातें हैं जो हमने बचपन में सुनी, ये वही सारी बातें हमारा लाशऊर बनाती हैं और वही सारी बातें हमारा बिहेवियर बनाती हैं। एक थ्योरी कही जाती है SOR थ्योरी, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके मुताबिक कोई भी स्टिमुलस जो है वो, स्टिमुलस मतलब कोई भी शख्स जो है ऑर्गेनिज्म, वो रिस्पॉन्स करता है जब उसको कोई स्टिमुलस मिलेगा। स्टिमुलस हर वो चीज़ है जो आपको तहरीक दे, आपके बिहेवियर को चेंज करे। एक और साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इंसान जो है वो दो ही वजह से कोई भी काम करता है, या तो किसी तकलीफ से बचने के लिए या कोई जो है वो इंजॉयमेंट के लिए। अब आप देखें अगर जो है वो लाइट, आप आए रूम में और रूम में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप पंखा चलाते हैं, तो पंखा आपने क्यों चलाया? पंखा चलाने की दो ही वजूहत है, या तो आपने जो है वो तकलीफ से बचने के लिए फ़ैन ऑन किया कि भाई अगर मैं पंखा चलाऊंगा तो मैं गर्मी से बच जाऊंगा, और दूसरा इंजॉयमेंट के लिए कि जब आप पंखा चलाएंगे तो आपको ठंडक में अच्छा एहसास होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो बातें शेयर नहीं करते, कहा जाता है कि अगर आपके दोस्त नहीं है तो आप जो है वो राइटिंग पर आ जाए, अपनी चीज़ों को लिखें लेकिन उसको फाड़ के फेंकें। अगर आप अपनी मेमोरीज़ को बार बार पढ़ेंगे तब भी वो आपके साथ एग्रेवेशन हो सकता है। एक चीज़ याद रखें कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और सबको किसी को किसी भी वक्त कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो कि इलिटरेट हैं, तो सबको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कोई ऐसा शख्स नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, एनीबॉडी, आप कोई भी हैं, आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। कोई भी आपका ऐसा शख्स है जो आप देखें कि वो डिवेंट का शिकार है तो उसको हेल्प आउट करें, उससे बात करें, उससे पूछें। अगर वो जो है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार है तो आप उससे बात करें, उससे पूछें कि आपके बिहेवियर में चेंज क्यों आ रहा है, ताकि आप उस बात को रिजॉल्व कर सकें। बुलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बुलिंग का मतलब होता है टांग खींचना, कि क्लास में ऐसे होता है कि सब बच्चे एक दूसरे को छेड़ने लग जाते हैं। एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी मॉडल थी अनम टनोली, उसने भी सुसाइड की और सुसाइड करने से पहले स्टेटस अपलोड किया स्टॉप बुलिंग भी। तो बुलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की साइड पे लेके जाता है। मुझे याद है मैं जिन्ना हॉस्पिटल में मेरी इंटर्नशिप थी साइकोलॉजी की, तो हमारे पास एक स्टूडेंट वहाँ पे एडमिट थी, वो MBBS की स्टूडेंट थी 3rd ईयर की, और पहले एक कार्टून आए थे गुरखा एवेंजर्स के, तो
तो उसको डाओ में सारे बच्चे जो है वो बुरखा एवेंजर के नाम से जो है वो छेड़ते थे, और ये उसका इमोशनल इतना जो है वो उसका मतलब अनहेल्दीनेस का वो शिकार हुई कि उसको बकायदा जिन्ना हॉस्पिटल में वो साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट की। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की साइड पर लेके जा सकते हैं। मजीद चीज़ें इंशाल्लाह कोर्स वापसी कंटिन्यू हो रहा है तो वहाँ पर शेयर होंगी, जो भी सवाल आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।